सभी को प्रणाम। गायत्री किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का पेड़ा। सबसे पहले मैंने ये आधा कप पीसी हुई चीनी ली है, ये देखिए, आप इस मार्केट से भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने 1/4 कप घी लिया है और इसको अच्छे से मिला लेना है पूरा एकदम अच्छे से, पूरा मिक्स कर लेना है इस तरीके से। देखिए पूरा मिक्स मैंने कर लिया है, इस तरीके से कर लेना है आपको। अब ये सत्तू है 1 कप, ये घर का सत्तू है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरा, जब तक कि अच्छे से उसमें से घी ना निकलने लगे। ये देखिए अच्छे से मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इसकी छोटी छोटी इस तरीके से पेड़े बनाते हैं और बीच में अंगूठे की सहायता से ऐसे पुश कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके मैंने एक पेड़े बना लिए, इस तरीके से पुश कर लेना है बीच में। ये देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए सत्तू के। अब ऊपर से कटे हुए मैं पिस्ते डाल रही हूँ, आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं। और मैं एक एक करके ऐसे थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ पिस्ते, ताकि खाने में भी टेस्ट लगे और स्वाद रहे। अब ये केसर है, एक एक केसर मैं लगा देती हूँ ऊपर से। ये देखिए सत्तू का पेड़ा बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुल भी जाने वाला पेड़ा है। झटपट बना सकते हैं आप बिना गैस जलाए, 3 चीज़ों से ये पेड़ा बन जाएगा। आप चाहे तो मार्केट से भी पीसी हुई चीनी ला सकते हैं। आप इसे 15-20 दिन फ्रिज में रख के खा सकते हैं, रक्षाबंधन भी आने वाला आप बना सकते हैं। ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक।